हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक यूनिक ड्रोन खरीदने के लिए, तो फाइनली देखो गाइस, एक फ्लाइंग व्हेल वाला ड्रोन मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। एक्चुअल में एक 3-in-1 ड्रोन है। आप इसको पानी पे भी चला सकते हो, हवा में भी फ्लाई करा सकते हो और जमीन पे भी चला सकते हो। बहुत ही ज्यादा गजब का ड्रोन है। आज इसको प्रॉपर तरीके से मैं टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है लैंड और सी बोलकर के साथ आज मैं बहुत ही यूनिक तरीके की कार्स भी लेके आ चुका हूँ। जैसे की ये है 6-channel बुलडोजर, कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है। ये बुलडोजर की ताकत भी मैं टेस्ट करने वाला हूं। देखते हैं ये बुलडोजर कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये देख लो गाइस, मेरे पास आ चुकी है स्टंट आरसी टैंक। ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा यहां पे कैनन भी लगा हुआ है और आप इसको हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ जायरो सेंसर वाली वॉच भी मिल जाती है। अब ये जो चीज है ना भाई, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये है शू कार। इसके अंदर शू के जैसे दिखने वाले दो कार्स मिलते हैं और इसके साथ एक हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके की गेम भी खेल सकते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। इसको मैं चलाऊंगा ना गाइस, आपके होश उड़ने वाले, इतनी ज्यादा मस्त चीज है ये। और एक चीज है गाइस, इसको बोलते हैं डैशर कॉन्सेप्ट मोटर आरसी कार। इसके हर एक पुर्जा आपको नजर आ जाएगा क्योंकि कार देख रहे हो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। अब ये है मेरे पास सबसे बड़ी स्पाइडर आरसी कार। दिखने में बिल्कुल एक स्पाइडर जैसी दिखाई देती है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो चलो गाइस फटाफट से सबसे पहले ये 3-in-1 ड्रोन को अनबॉक्स करके टेस्ट करते हैं। ये ड्रोन छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज 14 प्लस बोल के यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। ब्लू एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको खरीदा। इसके मेन फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये 3-in-1 ड्रोन है। हाई एंड लो स्पीड ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। 360 डिग्री फ्लिप भी कर सकता है। 1 की रोटेशन है, 1 की सर्कलिंग अराउंड भी इसके अंदर दिया गया है। बाकी फटाफट से इसको खोलते हैं, देखते हैं ये ड्रोन कितनी अच्छी तरीके से आज फ्लाई करेगा। यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा पतला सा ड्रोन है ये। यहाँ पे इस तरफ 2 प्रोपेलर्स दिए गए। आमतौर पर आपने ड्रोन्स देखे होंगे, वो बहुत ही अलग होते हैं, पर ये ड्रोन उन सबका बाप मेरे को लग रहा है। इतना ज्यादा स्लीक ड्रोन मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर इसकी बैटरी भी दी गई है। यहीं से आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। ये 4 प्रोपेलर्स का पोजिशन आप देख सकते हो, अपवर्ड ही दिया गया। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। अच्छा, तो डिब्बा इस तरीके से खुलेगा। डिब्बे को मैंने खोल लिया है। यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोलर, इसके अंदर और कुछ है ये भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। एक और कवर भी इसके अंदर दिया गया है, ये भी मैंने इसको निकाल लिया है। नॉर्मल एक ड्रोन का जो रिमोट होता है उसी तरीके का ये रिमोट मेरे को लग रहा है। ओके दोस्तों, अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट मोटर गियर कार को। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं यार, इसका असल मैकेनिज्म क्या है और ये कार किस तरीके से काम करती है। बॉक्स को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा है कि पूरा कांच लगाया गया है। एक्चुअल में ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। यहाँ से आप इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख सकते हो कि ये कार किस तरीके से काम करती है। ओवरऑल कार दिखने में बहुत ज्यादा यूनिक है, एकदम फ्यूचरिस्टिक कार जैसी दिखाई दे रही है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए ये कार को अलग अलग तरीके से चलाने के लिए। ऊपर की तरफ 2 ट्रिगर्स भी है। ओके दोस्तों, अब ये फुटबॉल शू कार को मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। देखते हैं शू कार किस तरीके से चलती है। बहुत ही अलग चीज है यार ये। ओके गाइस, बॉक्स को मैंने यहां से ओपन कर लिया है। यहां पे आप देख सकते हो 2 शूज हम लोगों को मिलते हैं, एक लेफ्ट वाला शू एक राइट वाला शू, और दोनों के सेपरेट यहां पे रिमोट्स भी दिए गए। एक यूनिक सी चीज भी मिलती है, ये है गेम खेलने के लिए एक फुटबॉल। साथ में इसके नेट्स भी मिलते हैं, नेट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने की तरफ 2 हेडलाइट्स है, इसका नंबर है 7। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, ये कम्प्लीटली ABS प्लास्टिक का ही बना हुआ है। ये है एक राइट शू वाला रिमोट। यहाँ पे 2 जॉयस्टिक इसके अंदर मिलते हैं, 2 ऊपर की तरफ ट्रिगर्स दिए गए। यहाँ से आप कार की स्पीड वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अब इसका नेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका नेट। आप लिटरली गाइस पूरा का पूरा फुटबॉल गेम खेल सकते हो ये खरीदने के बाद। ये दोनों तरफ इस तरीके से अटैच करोगे ना, तब आपके नेट्स पूरी तरीके से रेडी भी हो जाएंगे। अब ये स्टंट आरसी टैंक को भी एक बार फटाफट तरीके से अनबॉक्स करके मैं बताऊंगा, फिर गाइस इन सभी को टेस्ट करते हैं इंडोर में भी आउटडोर में भी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर देखो गाइस इतने ढेर सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं कि यार आप एक बार को कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा यूज करूं कौन सा यहाँ पे छोड़ दूं। ये इसके सारे पार्ट्स है, यहाँ पे देख सकते हो एक रोटेटरी ड्रम भी मिलता है और इसके अंदर इस तरीके के फोम वाले बुलेट्स भी दिए गए। ये सारी चीजें जो है ये हमारी टैंक के ऊपर फिट होती है। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है और ये है मेन टैंक। इसके ऊपर 3 अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स मिलते हैं, रिमोट भी मिल जाता है। अब ये बबल वाला देखो, अलग सा कैनन दिया गया है और इसके अंदर से आप कंप्लीटली वाटर वाली बुलेट्स को शूट कर सकते हो।
अब ये बाकी की दोनों आरसी को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। जैसे कि ये एक आरसी बुलडोजर है, बिल्कुल एक बुलडोजर जैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ज्यादा रगड़, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है। चलो इस फटाफट से इन सभी को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा तगड़ी आरसी कार। ये सभी आरसी कार्स और ये हमारे 3-in-1 ड्रोन के अंदर भी मैंने बैटरी को लगा दिया है। चलो सबसे पहले ड्रोन को टेस्ट करते हैं, पहले इसको मैं लैंड मोड में चलाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ के चलेगा, पर ये तो यार बिल्कुल एक रियल आरसी कार जैसी चलती है, वैसे ही चल रहा है। इसको मैं लेफ्ट राइट बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और इसके साथ तो मैंने ड्रिफ्ट करा के भी देखा, ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर रहा है। एयर मोड में डाल दिया है, अब देखते हैं क्या ये ड्रोन के जैसा फ्लाई करेगा या फिर नहीं। देखो गाइस, एक नॉर्मल ड्रोन जिस तरीके से फ्लाई करता है, ये वाला 3-in-1 ड्रोन भी बिल्कुल वैसे ही फ्लाई कर रहा है, और इसको मैंने काफी ऊपर तक भी फ्लाई करा के देखा है, पर इसकी जो कंट्रोलिंग है थोड़ी सी मेरे को हार्ड लग रही है। अब फुटबॉल शू कार के साथ गेम खेल के मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे मैं फुटबॉल खेलने वाला हूं। देखो मेरे पास लेफ्ट साइड का शू है, इसके साथ ये मैंने गोल कर दिया। इसी तरीके से आप दोनों फुटबॉल शू कार के साथ एक बहुत अच्छी गेम खेल सकते हो, और ये बिल्कुल एक आरसी कार जैसे ही चल सकता है। अब मैं कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट कार को टेस्ट करने वाला हूं। जैसे मैंने इसको ऑन किया है, इसके अंदर का मैकेनिज्म आप खुद देख सकते हो। यहां पे गियर्स घूम रहे हैं, यहाँ पे इसके शाफ्ट वगैरह घूम रहे हैं, ये इसको पूरी तरीके से पावर देने में हेल्प करते हैं। पीछे एक बहुत कमाल का बूस्टर भी दिया गया है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होने के कारण आप हर एक इसका पुर्जा अलग अलग काम करता हुआ क्लियरली देख भी सकते हो। अब इसको चला के बता देता हूँ, यूनिवर्सल मैग्नम व्हील्स होने के कारण आप इसको साइड बाय साइड भी चला सकते हो, ड्रिफ्ट करा सकते हो, और बिल्कुल एक नॉर्मल कार की तरह भी आप इसको चला सकते हो। इसकी स्पीड भी अच्छी खासी दी गई है, और इसकी कंट्रोलिंग तो बहुत ज्यादा कमाल की है। अब स्टंट शूटर टैंक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने कैनन लगा दिया, और कैनन के अंदर बहुत सारे फोम वाले बुलेट्स हैं। ये बुलेट्स बहुत तेजी से फायर कर सकता है, क्योंकि इसका रिकॉइल आप देख सकते हो, जैसे मैं शूट कर रहा हूं ये एकदम झटके से पीछे हटके शूट करने लग रहा है। यहां से आप इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे ऊपर का ये जो कैनन है इसको निकाल के दूसरा कैनन भी इसके ऊपर फिट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा कमाल की टैंक है। इसको मैंने शायद सिर्फ 2500 रुपीस में खरीदा था, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब बुलडोजर को टेस्ट करते हैं गाइस। ये बुलडोजर के अंदर 6 चैनल होने के कारण आप इसके सामने की बकेट को पूरी तरीके से ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, या फिर इसके साथ मिट्टी की खुदाई वगैरह भी कर सकते हो। सामने से तो यार बिल्कुल एक रियल बुलडोजर जैसा ही ये दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, अब स्पाइडर आरसी कार को टेस्ट करने वाला हूं। ये नॉर्मल एक आरसी कार जैसी ही चलती है, पर इसका साइज देखो काफी ज्यादा बड़ा है। ऊपर के कैनन को आप पूरी तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हो। आप इसका कैनन देखते हैं कितना ज्यादा पावरफुल है। यहां से मैं इसको शूट कर रहा हूं, देखो इसके अंदर से जो फोम बुलेट्स है बहुत ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ निकल के आ रही है। इसके अंदर आप कंप्लीटली 10 फोम वाली बुलेट्स लगाकर धड़ाधड़ तरीके से शूट कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट आरसी कार की रेस कराते हैं ड्रोन के साथ, देखते हैं। लैंड मोड में मैंने इसको डाल दिया है, पर अचानक से ये ऊपर उड़ने लगा था। यहाँ पे क्लियरली मेरे को लग रहा है कि ये ड्रोन ही जीतेगा, क्योंकि यार ये नीचे देखो एकदम फिसलता हुआ जा रहा है, और इसकी स्पीड कॉन्सेप्ट आरसी कार से बहुत ज्यादा दी गई, और क्लियरली यहाँ पे 3-in-1 ड्रोन जीत चुका है रेस को। अब ड्रोन की रेस कराते हैं टैंक के साथ, देखते हैं क्या ये टैंक ड्रोन को हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो ड्रोन बहुत ज्यादा फास्ट है, इन सब के मुकाबले में क्लियरली ड्रोन ने टैंक को भी हरा दिया है। अब देखते हैं क्या ये ड्रोन ये स्पाइडर आरसी कार को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। मेरे को लगा था कि अब स्पाइडर कार जीत जाएगी, पर ये ड्रोन की स्पीड अचानक बढ़ जाती है गाइस। देखो इसने तो यार स्पाइडर कार को भी हरा दिया है। ओ माय गॉड, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये 3-in-1 ड्रोन जमीन पे इतनी तेजी से चलेगा। अब कराते हैं हमने सामने वाली फाइट टैंक वर्सेस स्पाइडर कार के बीच में। पहले इन दोनों के कैनन को टेस्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से किसका कैनन सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्पाइडर बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से टैंक के ऊपर फायर कर रहा है। अब टैंक की बारी है, टैंक भी देखोगे जिसके ऊपर काफी तेजी से फायर कर रहा है। इसके अंदर रिकॉइल ज्यादा होने के कारण ये बहुत ज्यादा पीछे भी हट रहा है। तो दोनों के अंदर देखोगे यहाँ पे बुलेट्स खत्म हो चुके हैं। अब दोनों के बीच में होगी धक्का मुक्की, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। यहाँ पे टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है, स्पाइडर कार को पीछे ढकेल के रख दिया है। स्टंट टैंक के सामने आ चुका है बुलडोजर, देखते हैं गाइस स्टंट टैंक के सामने ये बुलडोजर टिक पाएगा या फिर नहीं। मेरे को लगा था कि बुलडोजर इसको रोक लेगा, पर स्टंट टैंक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि देखोगे जिसने इसको पीछे ढकेलना चालू कर दिया है। पर बुलडोजर के सामने एक बहुत ही खतरनाक चीज लगी है, देखोगे जिसने अपनी बकेट की हेल्प से इसको उठा दिया है पूरी तरीके से, कहीं इसको पलट ना दे। ओ माय गॉड, पलट के रख दिया यार।
अब बुलडोजर के सामने आ चुकी है कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट कार। देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट करा के। ये कार तो इसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा दी गई है, पर बुलडोजर ने अब इसको उठाना चालू कर दिया। यहाँ पे बुलडोजर पूरी कोशिश कर रहा है इसको उठा के फेंकने के लिए। ओ माय गॉड, इसने तो यार अपनी बकेट के हेल्प से इसको दबा के रख दिया यहाँ पे पूरी तरीके से। एक काम करते हैं गाइस, अब कराते हैं टोगो पर। पुश बैक में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कार पूरी तरीके से भारी पड़ चुकी है बुलडोजर के ऊपर। बुलडोजर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है गाइस। ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट कार जीत चुकी है टोगो फोर में। तो आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है प्रशांत, नितिन, शक्ति, अरमान, संकल्प, देवशीष, बबलू, अर्पित, जतिन, मोहम्मद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।